हेलो जमीगोस, आज जो किताब डिस्कस करने वाले हैं वो है फैंटम इन द ब्रेन, वीएस रामचंद्रन ने लिखी है। वीएस रामचंद्रन, मैं शायद बैचलर्स में था तब ये डॉक्यूमेंट्री देखी थी मैंने, नेशनल ज्योग्राफिक की थी, किसकी थी, मगर इस डॉक्यूमेंट्री ने मेरा दिमाग ऐसे फाड़ दिया था। आइडिया ये है कि भाई शुरुआत यहाँ से होती है कि भाई पेन क्या है, कि ठीक है इवोल्यूशन के अंदर में पेन इस तरीके से आया कि भाई कहीं चोट लगी है तो आपको पेन का एहसास होगा ताकि आप उस जगह को बचा सकें, केयर कर सकें और वो जल्दी से हील हो जाएगी। मोस्ट मीनियल डेफिनेशन ऑफ पेन। लेकिन अगर कोई बोले कि भाई मेरे को ना यहाँ पर इस तरीके से हाथ पे दर्द हो रहा है और यहाँ दर्द हो रहा है लेकिन उस व्यक्ति का हाथ ही नहीं, तब पेन की डेफिनेशन कैसे चेंज होगी? तो वीएस रामचंद्रन रिसर्चर भी हैं, न्यूरोसाइंटिस्ट भी हैं, और मतलब कि डायरेक्ट पेशेंट्स को उन्होंने ट्रीट किया है इतनी खतरनाक खतरनाक बीमारियों के साथ में। एक और बीमारी जो अभी इस किताब में ही आगे आएगी, एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है और व्यक्ति का एक्सीडेंट होने के बाद वो अपने घर में है और डॉक्टर को जब विजिट करने आता है तो बोलता है कि देखो घर डॉक्टर साहब, मेरे घर में ना एक औरत है, वो बिल्कुल मेरी माँ जैसी दिखती है, एक्टिंग भी उसी की तरह कर रही है, लेकिन आई नो कि वो एक्टिंग कर रही है, वो मेरी माँ है नहीं, मेरे घर में कुत्ता भी है, वो बिल्कुल मेरे टफी जैसा दिखता है लेकिन वो मेरा कुत्ता है नहीं। डॉक्टर रामचंद्र ने केवल और केवल रिसर्च नहीं की, उन केसेस को सॉल्व करके दिखाया। इस लिखा हुआ है ना कि फॉरवर्ड बाय ओलिवर सैक्स। ओलिवर सैक्स अपने आप में एक फन्नेखा जीव है, उनकी भी किताबों का जिक्र करेंगे। वो भी दोनों के दोनों डॉक्टर हैं और शुरुआत में फॉरवर्ड में यही लिखा है कि भैया कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो कि कॉम्प्रीहेंड भी कर पाना बड़ा मुश्किल है। मतलब ये समझ लीजिए कि भूल भुलैया में आपको दिखाया गया था ना कि भाई किस तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, और आप कैसे उसी व्यक्ति के रेल्म में घुस के और उसी व्यक्ति को ट्रीट कर सकते हैं। अगर वाकई में दुनिया में कोई भूल भुलैया जैसा, जो अक्षय कुमार जैसा कोई एक कैरेक्टर अगर एग्जिस्ट करता है तो वो ये व्यक्ति हैं, डॉक्टर वी एस रामचंद्रन। इनकी केवल और केवल इस पर्टिकुलर आइडिया पे नहीं, इनकी फिलॉसफी बहुत बड़े स्पेक्ट्रम पे फैलती है। इनके आइडिया में ये तक बताया जा चुका है कि आखिर क्यों, मतलब मैं डिस्कस करेंगे कि साउथ इंडियन जो मूवीज होती हैं उसके अंदर में इतना ज़्यादा आपको लगता होगा अभी यार ये क्या बिल्कुल भी असलियत के करीब नहीं है, इतना ज़्यादा इमोशंस दिखा रहे हैं, इतना ज़्यादा मतलब ऐसे तुमको भी आजकल तो नॉर्थ इंडिया वाले भी अच्छे तरीके से उस इमोशंस के कैप्चर में आ रहे हैं और कि इतनी सारी जो सक्सेस हो रही है साउथ इंडियन मूवीज़ की वो उसका सबूत है कि किस तरीके से हम इमोशंस अगर एग्जैजरेट कर दिए जाएँ तो उन पर किस तरीके से खेला जा सकता है। हम पहले बोलते थे कि अरे यार ये कुछ भी फिजिक गाड़ी उड़ा दी, ऐसे आदमी घूमे जा रहा है, इतना मजाक उड़ाते थे, लेकिन अभी आप उसका उसके लिए एक्सेप्टेंस आ चुका है। लेकिन वो एक्सेप्टेंस क्यों आ रहा है और वो क्यों हमें छूती है उसका एक्सप्लेनेशन तक, तो वो फिलॉसफी में इनका दायरा बहुत बड़ा है। आज ये वाली किताब पढ़ेंगे, बीच बीच में जो जो कॉन्सेप्ट आते जाएंगे आपको मैं बताता जाऊँगा, आप बैठ करके सुनते रहिएगा और कुछ भी डिस्कशन होना हो, अलग अलग तरीके हैं मुझ तक पहुंचने के, वो कर ही लेंगे, मैं बता ही दूंगा आपको कि आप मेरे तक किस तरीके से पहुंच सकते हैं इन तरीकों का, इन सब चीज़ों को लेकर के अगर आप बातचीत वगैरह करना चाहते हैं तो। मतलब वाकई में इतने ज़्यादा बिजार केसेस आपको इस किताब में देखने के लिए मिलेंगे कि भैया ये कोई व्यक्ति ऐसे हाथ ऐसे करके बैठा हुआ है, एक फीमेल है या मेल है, बोले कि ये हाथ किसका, बोले कि हाथ मैं मतलब किसी का और का नहीं है, मेरे भाई का है, और भाई का है, भाई मर चुका है, ये किसका है, ये मेरे पति का, पति का है, पति मर चुका है, तो ये हाथ जो है वो उसका है, हाथ जो है पैरालाइज हो चुका है, जो पैरालाइज है उसको सही करना, मतलब बिल्कुल जो भूल भुलैया कि अगर कोई सच में करीब आता है तो डॉक्टर वी एस रामचंद्रन है। उनको किताब पढ़ने का शौक ना हो ना सही, अपन की बातचीत सुन लेना, नहीं तो वो जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं वो ज़रूर देखना, उनके लिंक्स जो है मैं डाल दूंगा, और भी कई सारी चीज़ें हैं। मतलब वी एस रामचंद्रन, आई डोंट नो अगर आपने नाम नहीं सुना है तो, मतलब जितने भी एक लेक्चर देख रहा था मैं वी एस रामचंद्रन का, कि जितने भी फन्ने खाए ना, नील डिग्रेस टाइसन, रिचर्ड डॉकिंस और ये जो लोग इन लोगों को जानते हैं, मतलब और वो लोग बैठ करके वी एस रामचंद्रन का लेक्चर सुन रहे थे और उनसे अपने जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत खतरनाक, मतलब दिस इज लाइक टोटली आउट ऑफ, मतलब पॉइंट ये नहीं है कि व्यक्ति एक तो पता लगा रहा है कि हो क्या रहा है, ब्रेन के अंदर में क्या हो रहा है, वो उसको ट्रीट तक करके दे रहा है और बिल्कुल ऐसे मेथड से जैसे बिल्कुल उसके अंदर में भूलभुलैया में से भभूत लगा करके वो मार नहीं था, अच्छा अच्छा इसने अपने दिमाग के अंदर में उसको अगर मार दिया है तो अब ये नॉर्मल हो जाएगी, उसी तरीके से कि आप क्या करेंगे कि सामने वाला व्यक्ति खुद ही उस चीज़ को लेकर के ठीक हो जाए, डिस्कस करेंगे।
इसकी मतलब डिस्कस करना शुरू करते हैं, मतलब कि अगर आपका एक हमारे बॉडी के अंदर में कई सारे तरीके की सेंसेस होते हैं, केवल केवल ऐसा नहीं है ये पांच सेंसेस वाली सेंसेस हूँ हमारे शरीर के अंदर में, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मेरे शरीर का कौन सा हिस्सा किस कितनी दूरी पर है और मैं उसको जानता हूँ, मतलब मैं ऐसे टच कर सकता हूँ अपने नोज को बिना देखे, मैं अपने फिंगर्स को इस तरीके से टच कर सकता हूँ, मैं ताली बजा सकता हूँ, दिस इज कॉल्ड एज प्रोप्रियोसेप्शन। और अगर मैं ये बात मानूं कि हाँ मेरा पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर हिस्से के लिए जितनी भी जगह हैं मेरे दिमाग में उसके लिए एक स्पेसिफिक जगह दी हुई है कि हाँ यहाँ जा करके इसको देखो, अगर मेरा किसी व्यक्ति का हाथ कट जाता है तो वो पर्टिकुलर ब्रेन का एरिया क्या करे, वो ब्रेन का एरिया कहाँ जाएगा, वो ब्रेन का एरिया तो गायब नहीं हो चुका है, वहाँ से किस तरीके से इस चीज़ का लिंक बैठाना शुरू किया जाता है कि भाई वो क्या दूसरे किसी जगह के काम को एक्वायर कर लेगा, या किस तरीके से कि अगर मैंने काट दिया है और केवल और केवल केवल और केवल किसी व्यक्ति का इतना हाथ बचा है तो वो क्या इतना हाथ जो है वो पूरे के पूरे हाथ की सेंसेशन को ओवरकम कर लेगा कि मैं उसको अगर यहाँ हाथ लगा रहा हूँ तो उसको लगेगा मेरे हथेली पे हाथ लगा हुआ है, यहाँ मैं उसको हाथ लगाऊँ तो उसे लगेगा मेरी कोहनी पे हाथ लगा है, यहाँ पर हाथ इस तरीके से वो ओवरलैप कर लेगा क्या। तो यहाँ से इसका आइडिया शुरू होता है कि अच्छा 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 ये प्रॉब्लम चल रही है कि भैया व्यक्ति का हाथ कटा हुआ है लेकिन उसको अपने हाथ में दर्द महसूस हो रहा है, तो वो असल में पार्ट ब्रेन का वो पार्ट है जहाँ पर ये दर्द महसूस हो रहा है। तो आखिर किस तरीके से इस चीज को ट्रीट किया जा सकता है, हल्का सा ग्लिम्स। अब इंटरनेट के ऊपर में बस वी एस रामचंद्रन डालेंगे तो भर भर के उनके लेक्चर्स आ जाएंगे, उनके डॉक्यूमेंट्रीज आ जाएंगी। ये वो वाला लेक्चर है जिसके अंदर में रिचर्ड डॉकिंस और नील डीग्रासे टायसन वगैरह बैठे हुए हैं और वो सारे के सारे उनके डाउट्स आते हैं और वो पूछते हैं। और ये वाला लेक्चर की जिसके अंदर में उन्होंने बताया कि भाई किस तरीके से हिंदू आर्ट जो मैं डिस्कस कर रहा था कि किस तरीके से जो एग्जैजरेशन आपने देखा होगा कि भाई जो हिंदू देवी देवताओं के जो पुराने मंदिरों के ऊपर जो स्ट्रक्चर्स बने होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि भैया बड़े ही अजीब, मतलब उनका रेशियो बड़ा अजीब है, बड़े इंसानी तरीके के नहीं दिखते हैं, तो आखिर वो ऐसा क्यों है, उसका पूरा का पूरा साइंटिफिक बेसिस मतलब दिमाग खराब हो जाएगा। अपन ये भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, रिसर्च पेपर्स वगैरह के लिंक, मतलब उन कुछ चुनिंदा एक व्यक्ति के लिए जो वाकई में इसमें इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए, बाकी तो वीडियो देख करके ही काम चलाएंगे। मेरे को अच्छे से याद आ रहा है कि अभी जब बैचलर्स में पहली बार इंटरनेट हाथ लग रहा था जब अच्छे से, तो जो शुरुआती जो टेड टॉक दो मैंने देखी थी वो यही थी कि एक तो वी एस रामचंद्रन की टॉक थी और एक ब्रायन ग्रीन की टॉक थी स्ट्रिंग थ्योरी को लेकर के। तो ये दो टॉक मेरी लाइफ की पहली दो टेड टॉक थी, आई रिमेम्बर। फैंटम लिम सिंड्रोम, किस तरीके से जो व्यक्ति का हाथ कट गया है उसको किस तरीके से ये डिस्कस कर रहे हैं रामचंद्रन की, किस तरीके से हमारा ब्रेन जो है, जैसे मैं जानता हूँ कि मेरा हाथ है तो मेरा, मैं जैसे हाथ को दबाता हूँ तो मेरे दिमाग से जैसे मैं सिग्नल भेज रहा हूँ तो सिग्नल मिलता भी है कि हाँ इतना दब गया है अब इसको रोक दो, लेकिन जो फैंटम लिम है, जो हाथ कटा हुआ है जिसके अंदर में कुछ भी जानकारी है ही नहीं, उसके अंदर में कोई बैक फीडबैक लूप जा ही नहीं रहा है और ब्रेन और भी ज़्यादा पागल होता जाता है कि अभी मतलब क्या और ज़्यादा करें ना करें, तो व्यक्ति पूरा परेशान होता है, वो पेन की तरह सामने निकल करके आता है। तो क्या उसको अगर मिरर के अंदर में, मतलब कि अगर इस तरीके से उसको दिखाने की कोशिश की जाए कि मिरर के अंदर में जिसमें उसका दो हाथ हैं और वो अपने हाथ को क्लेंच करे, ट्रेन करे अपने माइंड को, और उसके बाद जब न तो फैंटम लिम रहेगा न तो उसका पेन रहेगा, तो वही इस तरीके से उसको हटाने की कोशिश की जाती है और इट वर्क्ड इन सो मैनी पीपल। अगर कुछ लोगों में नहीं भी जा रहा है तो भी अच्छा, ये रहा इधर, ये मैंने देखा नहीं है बट फैसिनेटिंग साइंस बिहाइंड फैंटम लिम्स, नाइस, ये भी अच्छा है होगा। टेडेड के वीडियोज़ भी बहुत अच्छे होते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप टेडेड के वीडियोज़ भी अगर देख पाएँ तो। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ों के नाम आए उनको जरा फटाफट से डिस्कस करते हैं। रामचंद्रन को क्या क्या चीज़ें पसंद थी, उन्होंने जैसे कि माइकल फेराडे की केमिकल हिस्ट्री ऑफ अ कैंडल ये पढ़ी है, और ठीक है, मतलब कि ऑब्वियसली ये किताब हमारी लिस्ट में चली जाएगी। चार्ल्स डार्विन ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ और जो उनकी बाकी किताबें हैं वो, हम्फ्री डेवी, थॉमस हक्सली क्या लिखते हैं भाई, चाहे उनका साईफाई हो, और ये जितने भी पुराने लोग थे ये फिलोसफी साईफाई, जैसे कि ये है लुइस थॉमस वो खतरनाक व्यक्ति हैं, और यार ये जॉर्ज गमाओ हमारे कक्षा 12वीं में तक में इनका नाम है कहाँ पर है कौन बताएगा, कमेंट में बताना कि गमाओ का नाम कहाँ है और उन्होंने क्या दिया था। लुइस थॉमस का प्राइस भी है, मतलब कि उनकी किताब है द लिविंग साइंस करके, द लाइफ ऑफ अ सेल, द लिविंग ऑफ द सेल, एक सेकेंड, ये रहा द लाइफ्स ऑफ अ सेल, ये वाली किताब केवल और केवल मैंने पढ़ी हुई है। ऑब्वियसली फिलोसफिकल, मतलब आप देख रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है वो अमेरिकन फिजिशियन, पोइट, एटिमोलॉजिस्ट,
मतलब कि वर्ड का ओरिजिन कहाँ से होता है इसकी कहानी, ऐसे लिखना एडमिनिस्ट्रेटर, एजुकेटर, पॉलिसी एडवाइजर, रिसर्चर, मतलब क्या नहीं है, मतलब लुईस थॉमस प्राइस भी होता है और उसके उस प्राइस के अंदर में जितनी भी किताबें हैं वो सब पढ़ने लायक हैं, उसकी भी पूरी की पूरी लिस्ट डिस्कस करेंगे हम आज नहीं तो कल। तो यहाँ पर बात हो रही है हमारे वी रामचंद्रन की फ्रांसिस क्रिक से, और ये वही फ्रांसिस क्रिक हैं, वॉटसन और क्रिक वाले क्रिक। तो क्रिक बोलते हैं वी रामचंद्रन को कि भाई ऐसा है कि ये किताब है बहुत बेहतरीन वाली एरविन श्रोडिंगर की, व्हाट इज लाइफ, और उन्होंने उसके अंदर में क्या मतलब, और एरविन श्रोडिंगर मतलब ये समझ लो कि फिजिक्स के अंदर में जो क्वांटम वाला पूरा का पूरा आपका हिस्सा चला जाता है, जो वेव इक्वेशंस वगैरह आने लगती हैं वो सारा का सारा श्रोडिंगर भाई साहब का है, जो डेड कैट और लाइव कैट वाला जो श्रोडिंगर्स कैट वो श्रोडिंगर का है, मतलब कि वो इतना ज़्यादा बेहतरीन उनका फिजिक्स में नाम है। लेकिन उन्होंने एक फिलोसफिकल बुक लिखी थी, उन्होंने एक लेक्चर सीरीज दी थी, उस लेक्चर सीरीज के अंदर में वही कन्वर्ट कर दिया गया था, जैसे कि रिचर्ड फाइनमैन का पूरा जो लेक्चर जो भी उन्होंने लेक्चर सीरीज दी थी उसको कन्वर्ट कर दिया गया था आपके बुक्स के फॉर्म में, और उसका ऑडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है। और तो इरविन श्रोडिंगर ने बताया कि हाँ ये इस तरीके की बुक लिखी गई थी और उसके अंदर में ये आइडिया था कि हाँ केमिकल लाइफ का जो बेसिस है वो किस तरीके से केमिकल का हो सकता है, और ये किताब पढ़ी है मैंने, भाई साहब क्या गजब किताब है। जाहिर सी बात है कि वक्त बदलता, इतनी पुरानी किताब है तो जो उन्होंने जो फिलोसफिकली चीज़ें बोली थी वो सारी की सारी उस तरीके से सच नहीं हुई, लेकिन जो उसका फंडामेंटल आइडिया है कि हाँ भाई जब आप जीरो से किस तरीके से सोचते हैं, एक बार अब जैसे जैसे साइंस की दुनिया में आगे बढ़ते चले जाते हैं आपको ये पता चलता है कि यार ये आप उतना नया तरीके से नहीं सोच पाते हैं। जितने भी बेहतरीन साइंटिस्ट हुए हैं ज़्यादातर के अंदर में ये आपको कॉमन स्टेटमेंट सुनने को मिलेगा कि किस तरीके से कि उनकी जो उम्र थी वो तकरीबन 20 से 30 वाली जो उम्र है उस उम्र के अंदर में जितने भी दिमाग ख़त्म कर देने वाले जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं वो उस उम्र के अंदर में हुई है, कि अभी आप उतने हार्ड नहीं हुए हैं कि आप एक ही डायरेक्शन में सोचें, और आप उतने अभी अभी आपने चीज़ों को नया नया सीखना शुरू किया है तो आप अभी इस लेवल पे हैं कि आपको उसकी अच्छी खासी जानकारी है, तो वो नई डिस्कवरीज उस वक्त पे निकल करके आते हैं। तो ये उस समय की किताब की लिखी हुई किताब है इरविन श्रोडिंगर की। तो ये व्यक्ति मतलब समझ रहे हो कि मतलब किन लोगों के बीच में उठ बैठ रहे हैं, और इनका बिल्कुल भी हमें आइडिया नहीं है, मतलब आई एम नॉट श्योर कि कितने लोगों को है, बट खैर कई फ़र्क पड़ता है काम पर, उस पर जो उनकी फाइंडिंग्स हैं वो उन सब चीज़ों पे ज़रा नज़र डालते हैं। फ्रांसिस कर किताब लिख रहे थे, किताब का नाम था द एस्टॉनिशिंग हाइपोथेसिस, और जाहिर सी बात है कि दो तरह की किताबें लिखते हैं, मतलब कि एक तो एक होता है टेक्स्ट बुक जिसमें आप जार्गन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक होता है जो पॉपुलर साइंस की बुक्स होती हैं जिन पे हम ज़्यादातर नज़र डालेंगे और नए सिरे से सोचने की कोशिश करेंगे। तो जो क्रिक के जो पब्लिशर थे उन्होंने बोला कि ऐसे कोई बंदे को ढूंढो यार कि जो आम आदमी हो तो पता चल सके कि तुम ज़्यादा जार्गन वगैरह तो यूज़ नहीं करते। तो रामचंद्रन को कॉल किया, बोले कि रामा तुम किसी आम आदमी को जानते हो क्या जो कि जिसको ये चीज़ पढ़ाई जा सके। तो उन्हें लगा कि मजाक कर रहा है, बोले कि नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक बड़ा ही छोटा और बट इंट्रीगिंग आइडिया है जो कि साइंस के अंदर में बड़ा ज़रूरी है कि कई जगह हम इसका अब्यूज़ करते हैं। क्या अगर मैं बोल रहा हूँ कि भैया ये ऐसा है कि जो अगर आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर में, आप कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो, उस एप्लीकेशन के अंदर में अगर आप बाई वाले बटन पर नीला रंग का अगर बाई बटन रखेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके जो लोग हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा खरीदेंगे। ओके, हाइपोथेसिस, लोगों ने बोला टेस्ट करेंगे, लेकिन इसको टेस्ट ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि एक बार देखा कि हाँ आपने पिछले महीने की कमाई देखी, अब आगे वाले महीने की कमाई देखी, देखा कि जब मैंने नीला रंग बदला था तो 10% मेरा पैसा मतलब कोर्सेज 10% ज़्यादा सेल हुए। अब आप इसका रिसर्च पेपर नहीं छाप सकते, आप वो इतने ज़्यादा अलग अलग तरीके के सिनेरियो में कंट्रोल लगा करके, बगैर कंट्रोल लगा करके, अलग अलग रंगों के साथ, अलग अलग जगह पे, अलग अलग ऐप्स के साथ, अलग अलग लोगों को, अलग अलग डेमोग्राफी में, अलग अलग उम्र के लोगों को जब जा करके आप देंगे तब जा करके ये चीज़ पब्लिश होने के लायक होगी। और दूसरी तरफ अगर आप बिल्कुल उसका ऑपोजिट एंड ले लें और बोलें कि भैया देखो ये जो कुत्ता है ये इंसान की भाषा बोलता है, अब उसमें अगर कुत्ता अगर आपको बोल के दिखा दिया कि हाँ इंसान की भाषा बोल रहा है तो आप ये नहीं बोलेंगे है ये तो एक ही अलग, मेरे को दिखाओ हर हाइट के कुत्ते को दिखाओ, हर रंग के कुत्ते को दिखाओ, अलग अलग लोगों के कुत्ते को दिखाओ, तब जाकर के मैं इस बात में विश्वास करूँगा। तो ये स्पेक्ट्रम है कि आप किस तरीके की फाइंडिंग कर रहे हैं उसमें किस कितना
प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का ज़रूरत पड़ेगी, और दूसरे जो छोर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। जस्ट छोटा सा पॉइंट लेकिन बहुत ज़रूरी पॉइंट, क्योंकि अक्सर आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर में जब उल्टी सीधी बैचलर्स के लेवल पर जब बच्चे रिसर्च करते हैं, ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं, तो यही करते हैं, मतलब बहुत ही छोटा सैंपल साइज ले लिया और उसकी फाइंड, और कई सारे न्यूज़पेपर जो फाइंडिंग्स चिपकाते हैं वो इसी तरीके की फाइंडिंग्स होती हैं कि भाई आपका कोई उसको अच्छे रियल लेवल पे उसको एक्सपेरिमेंटली स्टैटिस्टिकली प्रोबेबिलिटी और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके उसको अच्छे तरीके से नहीं इस्तेमाल किया गया और बस उसकी छोटी सी एक फाइंडिंग बता दी है और वही उसको हाईलाइट न्यूज़ बना करके उसको पब्लिश कर दिया जाता है, कि ताकि क्योंकि वहाँ पर वो जो लोग पब्लिश कर रहे हैं, जो वेबसाइट वाले लोग हैं, जो बेकार जर्नल वाले लोग हैं, उनका आइडिया है कि भाई ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे, बस कैसे भी करके मेरा आई कैचिंग हो और मैं ऐड से या किसी और तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर सकूं। वैसे ये यूट्यूब की पुरानी कहानी है कि जिसको क्लिक बेट की उसमें कैटेगरी में भी डाला जाता है, इंसेंटिव पर मैटर करता है कि आपका इंसेंटिव है। खैर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्पेक्ट्रम है कि किस तरीके का प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कितना चाहिए, और वो केस टू केस पे डिपेंड करता है। हमको लगता है कि गैलीलियो ने टेलीस्कोप डिस्कवर किया था, गैलीलियो ने टेलीस्कोप डिस्कवर नहीं किया था, लेकिन क्योंकि हम लोग अपने धर्म के रूप से और इतने बाकी चीज़ों में भी आप देखेंगे कि ज्योतिष शास्त्र में या फिर आपका जो एस्ट्रोलॉजी वगैरह होती है उसके अंदर में किस तरीके से इस बात पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, या जो धर्म है उनके अंदर में भी, कि भाई हम भगवान ने बनाया हमें और हमें दुनिया के सेंटर में, और ये दुनिया कर रही है हमारे तरफ चारों तरफ ट्रैवल, तो जिसको आप अभी जो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, अभी जियोसेंट्रिक, तो हम जियोसेंट्रिक माना करते थे पहले, तो आज की तारीख में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, नहीं भैया हम तो भैया न तो अपने सोलर सिस्टम के सेंटर में, न तो अपनी गैलेक्सी के सेंटर में, और मतलब यूनिवर्स तो भूल ही जाओ। तो क्या देखा कि गैलीलियो ने इस्तेमाल किया टेलीस्कोप का पहली बार, और इस्तेमाल करके क्या देखा कि भाई पहले तो वो देखा मून को देखा, और मून को देखा तो ये देखा कि भैया मून जो है, हमको लगता था कि चीज़ें जो है बड़ी जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, जो इस दुनिया से बाहर की जो चीज़ें हैं वो बड़ी स्मूथ होती हैं, उनमें कोई फ्लॉ नहीं होता। उन्होंने देखा यार इसमें तो बिल्कुल पहाड़ वहाड़ से दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल फ्लॉड है। फिर देखा जुपिटर, और जुपिटर में इस तरीके से देखा कि जुपिटर के आगे कुछ ऐसे और स्टार्स, मतलब उस वक्त उसको स्टार ही समझ रहे थे, तो और बॉडीज नज़र आ रही थी। तो हुआ क्या कि आज देखा तो, और वक्त के साथ उसको जब एनालिसिस करने लगे तो देखा कि भैया क्या हो रहा है कि उसके ऊपर तीन डॉट नज़र आ रहे हैं, और तीन डॉट नज़र आ रहे हैं, तो अगले दिन क्या हुआ कि एक डॉट जो है वो गायब हो गया, और उसके अगले दिन देखा तो दो डॉट और नज़र आ गए। तो पता क्या चल रहा है कि असल में वो जो नज़र आ रहे हैं, जो छोटे छोटे डॉट हैं, वो मून हैं जुपिटर के, जो उसके आगे पीछे इस तरीके से नज़र घुमा रहे हैं। और आप इधर अगर सामने से देखेंगे तो अगर जुपिटर के पीछे से कोई चीज़ आएगी तो आपको वो नज़र नहीं आएगी। तो वहाँ से पता चला कि नहीं भैया, अर्थ के दुनिया में सारी चीज़ें जो हैं वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर नहीं लगा रही हैं, ये देखो ये तीन मून अभी मेरे को नज़र आ रहे हैं जो कि जुपिटर का चक्कर लगा रहे हैं। तो वहाँ से वो आइडिया का शुरुआत हुआ। मस्त ना, क्या नाम है, कितना आसान था केवल और केवल एक डेमोन्स्ट्रेशन देख करके ये बता देना कि हाँ धरती के चारों तरफ नहीं घूम रहा है सन वगैरह, और धरती जो है सन के चारों तरफ घूम रही है। अब और कुछ के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं लगी, केवल और केवल ऑब्जर्वेशन लगी। और जब ये बात वी एस रामचंद्रन अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि भाई देखो भाई ऐसा है कि अब तुमको लगता है ऐसा कि तुमको रिसर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा मतलब जब तक तुम्हारे पास कोई ख़तरनाक इक्विपमेंट नहीं होंगे तब तक तुम कोई रिसर्च नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, रबिश ये लिखा है। और अभी भी मतलब कि ये समझ लीजिए कि एक नॉर्मल स्टूडेंट ने, मतलब कितने सारे स्टूडेंट थे जो कि अब चाहे तो वो ले लीजिए थॉमस एंड मॉर्गन वाले जो उनके एल्फर्ड स्टूडेंट, जो उनके स्टूडेंट मात्र थे अपने, और वो लोगों ने इतनी बड़ी डिस्कवरी की थी, वहाँ पर नहीं जाऊँगा, लेकिन यहाँ वाला एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से लोगों को हमेशा लगता था कि यार ये जो अल्सर है वो स्ट्रेस की वजह से होता था, डॉक्टर को बैठ करके उसका सुननी पड़ती थी पूरी की पूरी कहानी की, अच्छा भाई साहब आपकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम चल रही है, अच्छा बताओ ये वो। और फिर एक व्यक्ति ने क्या करा, वो निकाल करके देखा, डायरेक्ट स्ट्रेन निकाल करके देखी, स्लाइड बनाई पेट की, और देखा कि उसके अंदर में बैक्टीरिया था, और हेलिकोबैक्टर फाइलेराई, और वहाँ से पता चला कि अरे यार ये तो खाली पता नहीं क्या क्या हम लोगों को दवाइयाँ दिए जा रहे थे, तो खाली एंटीबायोटिक दो और हो जाएगा सही, और हो भी गया। अच्छा ये तो यहाँ तक था, इसके ऊपर एक लेवल बात ये और ऊपर जाती है, और वो जाती है
रॉबर्ट सपोल्स्की वाली किताब में, कि जहाँ पर ये केवल और केवल ऐसा नहीं है कि हम स्ट्रेस से डायरेक्ट शिफ्ट हो गए थे बैक्टीरिया पे, कि हाँ बैक्टीरिया से ही अल्सर होता है और कुछ, फिर पता चला कि नहीं नहीं भाई साहब दोनों चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन बनता है तो ज़्यादा सिचुएशन जो है वो ख़राब हो सकती है, कि आपका अगर आप स्ट्रेस में हैं तो किस तरीके से इम्यून सिस्टम आपका वीक हो सकता है, और वीक इम्यून सिस्टम के अंदर में कोई बैक्टीरिया आपके ऊपर ज़्यादा अच्छे तरीके से हार्म कर सकता है, तो वो भी एक अलग लेवल की कहानी हो जाती है। और हुआ यूं कि जिस डॉक्टर को ये बताया गया ना कि भाई साहब ऐसा ऐसा है, ये बैक्टीरिया से हो रही है और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेस से नहीं हो रही है, केवल और केवल उससे हो रही है, तो डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने क्या लिया, डायरेक्ट वो पूरा का पूरा बैक्टीरिया खा गया और बैक्टीरिया खाने के बाद उसको नहीं हुआ, और इट्स अ और नॉट नेसेसरीली कि उसको हो। अब ये ऐसी जगह है जहाँ पर केवल और केवल एक व्यक्ति का आप डेटा लेकर के कंसिडर नहीं कर सकते चीज़ों को, वहाँ पर आपको ज़्यादा रिपीटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये उसकी खुशकिस्मती थी कि वो उसको अल्सर वगैरह नहीं हुए और वो व्यक्ति जो है हेलिकोबैक्टर पाइलोराई से बच गया, और लोगों को यही बोलता रहा कि नहीं नहीं स्ट्रेस ही होता है, ऐसे कोई बैक्टीरिया वैक्टीरिया ऐसे नहीं होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही जिक्र हो रहा था कि भैया ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में भी आप बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज वगैरह कर सकते हैं, जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल है ये कि भाई ये आपके छोटे छोटे जो क्वेश्चन है ना वो भी आज तक आंसर नहीं है, कि हम लोग जो है फेसेस को किस तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं, हम रोते क्यों हैं, लाख किस तरीके से होता है, सपना क्यों देखते हैं, म्यूजिक और आर्ट को इन्जॉय क्यों करते हैं, और बड़े क्वेश्चन की कॉन्शियसनेस क्या है, ये तक मतलब अगर आप वाकई में उठा करके देखेंगे तो हम जो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है उनके आंसर तो हमको बिल्कुल दूर दूर तक नहीं हमको मिलते हैं, और जस्ट बिकॉज कि कोई और नहीं ढूंढ पाया है इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं ढूंढ पाएंगे, तो यू प्लीज़ थिंक अबाउट इट, सोचो बैठो विचारो, हो सकता है कि आप नेक्स्ट मतलब होना तो है ही ना किसी को तो होना है, आप नहीं करेंगे कोई और करेगा तो आप ही कर लो है ना और अभी जब मैं भूलभुलैया का जिक्र कर रहा था तभी ये बात एक और बात जो है वो दिमाग में आई, वो ये कि अगर यहाँ पर एक और जिक्र आया था शेरलॉक होम्स का, कि हम लोग जिक्र कर रहे थे भूलभुलैया का, कि शेरलॉक होम्स का भी से काफ़ी चीज़ मिलता जुलता है, एक हल्का सा रिलेशन है कि शेरलॉक होम्स देखी थी सर आर्थर कॉनन डॉयल ने, और वो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा से कर रहे थे MBBS, और MBBS करते वक्त में उनके एक टीचर थे जो कि जब डाइसेक्शन होता है या फिर आपका किसी कैडेवर को लेकर के आते हैं ऑटोप्सी वगैरह करते हैं, तो वो लिटरली एक ही चीज़ को देखते थे और बताते थे कि ये शायद ये इस तरीके से होगा, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति है और तो आपको दिख जाए कि उसके यहाँ पर कैलेसिस हैं तो आपको पता चलेगा कि अच्छा उसके उल्टे हाथ पे कैलेसिस हैं तो ये व्यक्ति जो है वो गिटार बजाता होगा, और हो सकता था कि इसके अगर यहाँ पर कैलेसिस हैं और आपको अलग अलग चीज़ें दिख जाएँ तो हाँ ये लेफ्ट हैंडेड था और तो इस तरीके से गिटार बजाता था, इसके नाखूनों में ये चीज़ मिली है तो ये अपने मौत के आखिरी वक्त में कहीं ऐसी जहाँ कीचड़ वाली जगह थी वहाँ पर रहा होगा। और ये जिस तरीके की रीजनिंग होती है बिल्कुल वही रीजनिंग उठा करके अगर आप देखेंगे तो शेरलॉक होम्स भी सी बिल्कुल इसी तरीके की रीजनिंग करता है, और या इस तरीके से इस चीज़ को उठाया गया, तो शेरलॉक होम्स का आइडिया भी वहीं से है किस तरीके से चीज़ों को, और इस तरीके की जो पहली जो पहले कुछ जो कहानियाँ हैं उसके अंदर में वही कि व्यक्ति जो है मौत से वापस आ चुका है और जिंदा है और भूत प्रेत उनको डीमिस्टिफाई किस तरीके से किया जाता है वो शेरलॉक होम्स हैं, उसका भी लिंक यहाँ से जुड़ता हुआ सा मिलता है। और भूलभुलैया के अंदर में वही डॉक्टर के किस तरीके से भाई लोगों को प्रॉब्लम्स तो होती हैं लेकिन उस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ये बोल करके नकार देना कि नहीं नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, उसका सॉल्यूशन नहीं है, अगर आप उसका सॉल्यूशन दे पा रहे हैं तो कोई बात होगी, तो किस तरीके से शेरलॉक होम्स VS रामचंद्रन और भूलभुलैया तीनों का किस तरीके से एक मेल बनता है। अब ऐसे केसेस के ना रियल जरा एग्जांपल सुनो कि कैसे कैसे केसेस हैं, कि व्यक्ति को जो है वो एक फीमेल है उसका क्या है कि आंखों में प्रॉब्लम आ गई और इस तरीके से ब्लाइंड स्पॉट में प्रॉब्लम है, और उसको क्या दिखाई दे रहा है कि उसको दिखाई दे रहा है कि सामने जो डॉक्टर बैठा है डॉक्टर VS रामचंद्रन बैठे हैं उनके गोदी में बग्स बनी हुई बैठा हुआ है, और उसको कार्टून कैरेक्टर अलग अलग तरीके के कार्टून कैरेक्टर इस तरीके से नज़र आते हैं दुनिया में। दूसरा कि स्कूल टीचर के अच्छा स्कूल टीचर को एकदम से पैरालिसिस हो गया, पैरालिसिस होने के बाद उसका एक आर्म जो है उसके ऐसे हाथ था और उसको हाथ उठा नहीं पा रहा था, उसको पूछा ये हाथ किसका, उसको बोला वो बोलता है बोलती है कि ये तो मेरे भाई का हाथ है। एक फिलाडेल्फिया के अंदर में एक व्यक्ति को स्ट्रोक आया, वो हंसने लगा और हंसते 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 इतना पगला गया कि वो मर गया हंसते हंसते, शी वॉज शी ओके वो मर गई हंसते हंसते, बिल्कुल जैसे
जोकर वाले केस में होता है कि जोकर के पास एक ऐसा टॉक्सिन होता है कि लोग हंसते हंसते मर जाते हैं। ये शी लिटरली डाइड लाफिंग। एक व्यक्ति है जिसको एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होने के बाद जब वो घर आता है तो उसको पता चलता है, बोलता है कि जो मेरे घर के अंदर में ना वो सारे के सारे लोग हैं, वो सारे के सारे एक्टिंग कर रहे हैं, वो मेरे परिवार वाले हैं नहीं, वो सारे के सारे ना इम्पोस्टर हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। अब ये सारे के सारे केसेस कितने ज़्यादा, मतलब तुम लोग डायरेक्ट सुनते ही ऐसे दिमाग पगला जाएगा, अभी भाई साहब ये क्या हो रहा है। और उन केसेस को निकालना, सॉल्व करना, उनके बारे में जानकारी लेना और उससे ये पता लगाना कि एक आम आदमी का ब्रेन किस तरीके से काम करता है नॉर्मल कंडीशन में। और प्रॉब्लम ये होगी इंडिया के अंदर में, तो वैसे भी ये प्रॉब्लम है कि आप अलग अलग कैटेगरीज में न्यूरोलॉजी की जो अलग अलग केसेस हैं उसमें आप डिवाइड कर ही नहीं सकते। हम लोग केवल एक ही कैटेगरी बना दें जो पागल है, और उसको उसी तरीके से बेकार तरीके से ट्रीट करते हैं, झाड़ फूक करवाना, मंदिर ले जाना, उसको अलग अलग तरीके से प्रताड़ित करना, और लिटरली हम मारते हैं उसे अपने हाथों से, मारते हैं उन लोगों को। और उसके अंदर में भी कैटेगरीज हैं कि किस तरीके से कि आपका कोई ब्रेन का पर्टिकुलर हिस्सा जो है वो, मतलब ये इंसैनिटी वाला केस नहीं है, मतलब इंसैनिटी के अंदर में भी ये बड़े ही माइल्डर केस हैं, इसमें किसी तरीके का मतलब व्यक्ति में किसी तरीके का ऐसे परिणाम नहीं दिखते हैं कि व्यक्ति किसी को सामने वाले को हार्म करने की कोशिश कर रहा है। केवल और केवल ब्रेन का पर्टिकुलर हिस्सा या तो मिस फायरिंग की वजह से या फिर उसका एनोटेशन गलत हो गया कि उस हिस्से को जो काम करना चाहिए था वो काम ना करके किसी और काम के अंदर में इन्वॉल्व है। और हम सब स्पेक्ट्रम है, दिस इज ऑल स्पेक्ट्रम। एक और कंडीशन है जिसको हम सिनेस्थीसिया बोल देते हैं। सिनेस्थीसिया के अंदर में आपको आपको जो है क्या होता है कि आप रंग जो है वो आपको सुनाई देते हैं। सात नंबर रंग, अगर कोई व्यक्ति सात लिखा हुआ दिखाई देगा तो उसको पता होगा कि सात जो है वो नीले कलर में आता है हमेशा। त्रिकोण की जो आवाज़ होती है वो घंटी की तरीके की होती है, इसको सिनेस्थीसिया बोलते हैं कि दो चीज़ें जो है मिल जा रही हैं। इसके एग्जांपल आपने भी अपनी ज़िंदगी में महसूस किए हैं, अगर आपको कभी एक पर्टिकुलर टाइप की खुशबू आती है तो वो खुशबू से आप तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पिछली बार आप थे। आप खुशबू और जगह किस तरीके से इंटरट्वाइंड होती है, ये रियल बात नहीं, मतलब कि उसका माइल्डर वर्जन है, थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करके इस बात को बोल रहा हूँ कि अगर आप ध्यान दें तो आप इतनी देर से वही सुन पा रहे हैं, वही समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ। और बोलना कुछ नहीं होता, केवल और केवल आवाज़ जो है वो कंपन है, आपका आपका ईयर ड्रम जो है वो कंपन कर रहा है, और उस कंपन से आप वही सुन पा रहे हैं जो मैं अपने दिमाग में जेनरेट कर रहा हूँ। कितनी खतरनाक बात है ये, मतलब लोग इस बात पे पगला जाते हैं कि दुनिया में मैजिक है, दुनिया में मैजिक है। अरे भाई साहब ये मैजिक छोड़ो तुम, ये मतलब समझ रहे हो कि ये कितनी ही खतरनाक बात है कि मैं यहाँ से बैठ करके कुछ दूर ये चीज़ माउस जो है उठा देख पा रहा हूँ। इसको मैं तोड़ने की कोशिश करूँगा, मतलब कि इस पूरी चीज़ को मैं तोड़ने की कोशिश करूँगा तो तुमको लगेगा भाई साहब ये हो कैसे सकता है इतना। वही अपने आप में मैजिक, हम एग्जिस्ट करते हैं वही अपने आप में मैजिक। लेकिन लोगों को चाहिए कि नहीं, जब तक उसका रीज़न नहीं मिलता है और आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तब तक आप उसको मैजिक के डब्बे की कैटेगरी में डालेंगे। क्योंकि आदमी को, आदमी के लिए प्रॉब्लम यही कि उसको एक्सप्लेनेशन तो चाहिए ना, और एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो कुछ ना कुछ उसकी एक्सप्लेनेशन निकाल देता है। तो उसको जैसे कि व्यक्ति को नहीं पता चल रहा है कि जैसे व्यक्ति का क्या होता है कि लेफ्ट, ये भी इसी किताब के अंदर में सारे के सारे जिक्र हैं कि जो लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर जो है कॉर्पस कॉलोसम, बीच में एक हिस्सा होता है कॉर्पस कॉलोसम, उससे जुड़ा हुआ होता है। और कई लोगों के अंदर में सीजर्स आते हैं, उनको ब्रेन में प्रॉब्लम होती है तो उनका कॉर्पस कॉलोसम काटना पड़ता है, तो उनका जो लेफ्ट और राइट ब्रेन है वो आपस में इतने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। अब व्यक्ति को जो है वो आँखें भी इस तरीके से होती हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स वायरिंग है उनकी भी, और हमारा हम जानते हैं कि जो मोटा माटी जो क्लासिफिकेशन है कि हमारा राइट साइड लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल करता है और वाइस वर्सा। तो उस व्यक्ति को जब ऐसे दिखाया गया कि भैया उसके अंदर में उसको ऐसे स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से आँखें छुपा करके कि उसको उसके एक ही पार्ट को इन्फॉर्मेशन मिले, और जब उसको इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दी गई तो व्यक्ति को बोला गया कि वहाँ पर वो चीज़ रखी है वो उठा करके लेके आओ। तो व्यक्ति उठ करके जाता है तो व्यक्ति से पूछते हैं भैया तुम उठ करके क्यों गए, और अब जिस जो जवाब देना है वो दूसरे हेमिस्फीयर को देना है। उठ करके गया था वो एक हेमिस्फीयर की वजह से, और अब उसको जो जवाब देना है वो दूसरे हेमिस्फीयर की वजह से, और वो बोलता है कि मेरे को ना प्यास लग रही थी इसलिए मैं जा रहा हूँ, जबकि उसका उससे दोनों बातों का कोई रिलेशन नहीं है। हम वजह खोज लेते हैं, निकाल लेते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं है, मतलब कि आप खुद सोचिए कि जब आप एक पर्टिकुलर जगह पे हैं और वहाँ पर बारिश नहीं हो रही और आप 200-300 साल पहले हैं, अब आपको लगेगा कि कभी कभी बारिश हो जाती है, तो आपने उसके लिए वजह निकाल ली और बना लिया क्या, इंद्रदेव बना लिया कि इंद्रदेव की पूजा करो तो बारिश होती है।
लोगों ने कितनी बनाने की बीमारी फैल गई है तो बना लिया कि कुछ ना कुछ वजह निकाल लेते हैं उसकी। लेकिन फिर जैसे ही पता चला कि भाई मानसून होता है, आप पता लगा लोगे कि हाँ कल बारिश होनी है, 12 बजे बारिश होनी है, इतना अच्छे तरीके से आपको पता चल जाएगा, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और वो चीज़ ख़त्म हो रही है। कितनी सारी चीज़ें हैं जो लोग इस तरीके से विश्वास करते थे और वो धीरे धीरे ख़त्म होती चली जा रही है। तो प्लीज़ मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि वी आर नॉट एनी डिफरेंट, हम वही स्पेक्ट्रम पे थोड़ा इधर की तरफ लाई करते हैं बस। हम सभी लोग जो हैं इनसेन भी हैं और अभी सभी लोग सेम भी हैं। इट इज़ जस्ट मियरली अ स्पेक्ट्रम जिसके ऊपर हम थोड़े लोग इधर हैं, थोड़े लोग इधर हैं। अच्छा एक इंटरेस्टिंग सी बात सुनो कि क्या कोई डॉक्टर ऐसा अगर आप मिले आपको अपने इलाके में जो आपको ऐसे बाबा बन करके बैठा हो और बोलता हो कि मैं केवल और केवल बंदे को सूंघ के बता देता हूँ कि उसको कौन सी बीमारी है, तुम कितना मतलब दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा कि कुछ भी पागल बना रहा हूँ मतलब बेसूंघ करके कौन बताता है। और लिटरली मतलब अभी रिसर्च पेपर थे कि भाई डॉग्स जो हैं वो किस तरीके से कुछ डिजीज़ के लिए उनको ट्रेन किया जा सकता है, कई एंट्स हैं जिनको पर्टिकुलर कैंसर तक के लिए ट्रीट किया जा सकता है कि वो स्मेल से कैंसर बता सकते हैं। और यहाँ के जो उनके प्रोफेसर हुआ करते थे कभी डॉक्टर के वी थिरुवनवेंगदम, आई एम सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, तो वो बताते थे कि किस तरीके से आप केवल पेशेंट को स्मेल करके कि भाई अगर स्वीटिश नेल पॉलिश वाली स्मेल है तो ब्रेथ डायबिटिक कीटोसिस का है, अगर फ्रेशली बेक्ड ब्रेड की ऑर्डर है तो टाइफॉइड का फीवर है, या फिर जैसे अभी चिकन के फैदर उखाड़े हों वाला हो तो रुबेला की स्मेल है, और अमोनिया लाइक जो स्मेल है वो लीवर के फेलियर के लिए है। आजकल जो है वो जो नए हैं वो है ग्रेप फ्रूट लाइक स्मेल अगर सूडोमोनास का जो इन्फेक्शन है उसके लिए। तो मतलब पहली नज़र में जो नज़र आता है कि हाँ ये तो ऐसा कैसे हो जाएगा, लेकिन हो सकता है। तो भी स्केप्टिकल होना बड़ा ज़रूरी है नए सबूतों और एविडेंसेस और नए उसके सबूतों और गवाहों की को मद्देनजर रखते हुए अगर आप नई चीज़ पे जा सकते हैं तो जाइए, वरना अपने स्टेटस्कोप पे मत रहिए। इसको स्टेटस्कोप बायस बोलते हैं कि आप जिस चीज़ में बिलीव करते हैं आप उसी पे चिपके रहते हैं, आप हटने की कोशिश नहीं करते। हम वही सारी के सारे वीडियोस, हम वही सारे के सारे न्यूज़, हम वही सारे के सारे आइडियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए तत्पर हैं जिनसे हम एग्री करते हैं। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है कि जो लोग वाकई में बिलीव करते हैं थोड़े से लिबरलिस्ट हैं वो बैठ करके एनडीटीवी देख रहे होंगे, और जो थोड़े से कंजर्वेटिव हैं वो बैठ करके एबीपी न्यूज़ या जी न्यूज़ देख रहे होंगे। तो वो केवल और केवल कुछ नहीं है, दोनों के दोनों लोग जो पहले से विश्वास करते हैं उसी को पुख्ता करने के लिए उसी तरीके की न्यूज़ या उसी तरीके की इन्फॉर्मेशन को कोशिश करते हैं, और यहीं से आती है वो फेक इन्फॉर्मेशन की जो शुरुआत है कि आप जिस चीज़ में बिलीव करते हैं उसी में आगे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। खैर थोड़ा सा हम डाइग्रेस कर रहे हैं, मगर कितना खतरनाक ख्याल था कि भाई केवल केवल सूंघ करके बताया जा सकता है कि पेशेंट को कौन सी बीमारी है। एक और केस जो कि बिल्कुल भूलभुलैया वाला है, उसके अंदर में क्या था कि उसको मंजुलिका को राजा को मारना था, अगर वो राजा को मार देती है तो फिर वो नॉर्मल हो जाएगी। तो ये दिस इज द फर्स्ट केस। तो इसके अंदर में क्या हुआ कि व्यक्ति के हाथ काटा गया सर्जरी के बाद, तो उसको वही सेंसेशन होने लगी लेकिन हाथ वहाँ पर था नहीं। तो फिर वो मतलब वापस से डॉक्टर के पास जाता है, बोलता है कि ये ऐसे ऐसे सेंसेशन आ रही। तो लोगों ने कहा कुछ नहीं है, वो नर्व एंडिंग्स रहती हैं वो स्टिमुलेट करते हैं ठीक हो जाएगा। नहीं हुआ ठीक। फिर उसके बाद दोबारा से वो वापस आया, बोला कि ये अच्छा चलो वो छोड़ो, ये बताओ कि आप ये हाथ जो एम्पुटेट करते हो उसका क्या करते हो। बोले कि ये तो मुझे तो नहीं पता, फिजिशियन बोला वो तो सर्जन को पता होगा। तो सर्जन के पास गए तो सर्जन ने बोला कि हम या तो उसको इंसिनरेट कर देते हैं या फिर उसको मेडिकल के स्टूडेंट्स को दे देते हैं काम वाम करने के लिए। तो बोला कि ठीक है, जाकर के पता लगाया गया तो पता चला कि नहीं तुम मेरी आर्म कहाँ पर है। तो बोले कि तुम्हारी आर्म हमने देखा कॉन्टैक्ट उसमें लॉक्स वगैरह में देखा, और पता कि तुम्हारे हाथ को अभी जलाया नहीं है, स्टूडेंट्स को दे दिया था काम करने के लिए। तो वहाँ गए, बोले कि बहुत सारे हाथ और एम्पिटेटेड वगैरह आ गए थे तो हम सबका इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो हमने पीछे गार्डन में जो है गाड़ दिया। और गार्डन में जब उसको निकाला गया हाथ को, तो उसके ऊपर वो मैगेट्स वगैरह चल रहे थे, और ये शायद इसलिए मेरे को सेंसेशन आ रही है, इसको जला दो। और जिस दिन से उसका हाथ जलाया गया मतलब इंसिनरेट कर दिया गया, उसके बाद उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्या है मतलब ऐसे ऐसे केसेस हैं कि क्या ही कीजिएगा, मतलब हम ब्रेन को समझने के बिल्कुल भी करीब नहीं है। इसकी एक बहुत बड़ी अच्छी एनालॉजी भी दी थी अभी पीछे आई थी कि अगर आप मान लो कि कुछ भी देख रहे हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे हैं, तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा आप देख रहे हैं टीवी पे, लेकिन वो एग्जिस्ट कहाँ करता है, मतलब कि वो टीवी में एग्जिस्ट कर रहा है, वो
तारों में एग्जिस्ट कर रहा है, कहीं पर एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसी तरीके से आज की तारीख में जो सबसे सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स हैं हमारे पास, वो fMRI वगैरह हैं, लेकिन वो बस ये बताती हैं कि हाँ ये वाला हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है इस चीज़ में, वहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है वो। इसलिए इतनी सारी किताबें हैं। अब न्यूटन्स के लॉ जो हैं, उनकी जो इक्वेशंस हैं, वो हर किताब में सेम ही है ना, लेकिन कॉन्शियसनेस के बारे में जब आप पढ़ने जाएंगे तो पता चलेगा कि 10 लोग हैं, 50,000 किताबें और 50,000 एक्सप्लेनेशन है। और ये बात बस यही बताती है कि हमें कुछ नहीं पता है उसके बारे में अभी क्योंकि अगर सबको वाकई में पता होता और सब एग्री कर रहे होते तो वो एक ही चीज़ हर जगह पढ़ने को मिलती, लेकिन हर जगह अलग चीज़ पढ़ने को मिल रही है। वो यही बता रही है कि हमें कुछ नहीं पता है उसके बारे में। जितने भी बायोलॉजी या मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने अक्सर ये सेंसरी ह्यूमंक्यूलस वाला आइडिया ज़रूर देखा होगा। इस सेंसरी ह्यूमंक्यूलस को अगर मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरीके का नज़र आता है, जिसके अंदर में कौन सा चीज़ कितना सेंसरी है वो चीज़ देखने को मिलती है हमें। अब ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो सच में हुआ था। सच में कैसे हुआ था कि एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम था ये पेनफील्ड वाला, ये रे पेनफील्ड जो साइंटिस्ट थे, वाइल्डर पेनफील्ड, उन्हें लिटरली वो क्या करते थे, एक्सपेरिमेंट क्या मतलब सर्जरी चल रही है और सर्जरी में ही ब्रेन के अलग अलग हिस्से को टच करके देखा और पूछा कि कहाँ कौन सा हिस्सा आपका जो है वो फील हो रही है, कोई सेंसेशन फील हो रही है, और उससे जो है पूरा का पूरा ह्यूमन के सेंसेशन का चार्ट बना के दिखाया। और वो आज तक बेहतरीन तरीके से चल रहा है। और ये चार्ट बनाया था करीब 1940 और 1950 के अंदर में, 70 साल के बाद भी वो चार्ट आज भी एकदम मस्त चलता है। इसके अलावा एक जो इंटरेस्टिंग सी फाइंडिंग है वो ये है कि एक जिस तरीके से लोगों को अलग अलग तरीके की क्रेविंग होती है, उसके अंदर में से एक फेटिश है, फुट फेटिश के नाम से अगर आपने सुना हो, कि किस तरीके से लोगों को उतना ही स्टिमुलेशन महसूस होता है जैसे कि अगर किसी के टो को काटा जाए, मतलब ऐसे बाइट किया जाए या लिक किया जाए, उसको फुट फेटिश बोलते हैं। और अगर आप देखें कि जेनाइटल्स जो हैं उसके ठीक पास में फुट है और वो किस तरीके से ब्रेन के पार्ट को, मतलब कि होना चाहिए, लॉजिकली होना चाहिए उसको थाई वाले के रीजन के पास में, लेकिन वो थाई वाले के पास में नहीं है, फुट वाले रीजन के पास में है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग थी इसके अंदर में, जिसका मेंशन किताब के अंदर में किया जाता है। चीज़ों को देखा जाना उतना सिंपल है नहीं। अभी ये एक इसी अंदर में एक लेटेस्ट केस चल रहा है। केस में हुआ क्या कि एक फीमेल थी, फीमेल वॉशरूम में थी, वहाँ पर किसी तरीके से CO2 मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का लीकेज हुआ और वो फर्श पे गिर गई, मुकेबल गिरी और कोमा में चली गई। अगर पति वापस ना आया होता तो वो मर जाती एक घंटे के अंदर में, लेकिन जब वो कोमा से वापस आई तो फिर वो आँखें चली गई थी, देख नहीं रहा था कुछ भी, कई समय लगा, डॉक्टर बात किए, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तो डॉक्टर ने एक दिन पूछा कि ये क्या चीज़ है पेंसिल हाथ में लेकर के, तो उसने बोला कि नहीं पता मुझे, लेकिन उसने हाथ बढ़ा करके इस तरीके से हाथ बढ़ाया कि जैसे दिख रहा है, और डॉक्टर से पेंसिल छीन करके हाथ में लेकर के उसको महसूस करने लगी। दिखा तो कुछ भी नहीं, पता तो उसको कुछ भी नहीं चला कि ये क्या चीज़ है, बता दिया वो पेंसिल है, लेकिन डॉक्टर की हालत ख़राब हो गई ये देख करके कि ये किस तरीके से छीना इसने। और फिर डॉक्टर ने एक चीज़ और ट्राई की कि एक ऐसे खाका बनाया और खाका बना करके उसमें एक स्लिट कर दिया, तो उसमें बोला कि ये एक पेपर है, इस पेपर को जो है स्लिट में डालो। तो फीमेल बोली कि भाई मेरे को दिख नहीं रहा है, मैं कहाँ से डालूँ, तो बोले कि कोई नहीं कोशिश करो, और उसको स्लिट भाई सीधी होगी, ऐसे हॉरिजॉन्टल होगी, साथी होगी, किस एंगल पे होगी, और जब उसने डाला तो ऐसे जैसे कि उसके अंदर में से कोई और व्यक्ति उसको गाइड कर रहा हो, और वो बिल्कुल सटीक उसी ही एंगल पे ला करके उसके अंदर में उसने डाल दिया, जबकि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भाई जाहिर सी बात है ऐसे केसेस देख करके तुरंत हमको लगता है भाई यार, जब भी कोई किसी व्यक्ति को जब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती वो तुरंत एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल या एक्स्ट्रा भूत प्रेतों पर चले जाते हैं, भगवान पर चले जाते हैं, इस तरीके की आइडियाज़ लोगों के दिमाग में आते हैं जब वो किसी ऐसी तरीके की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं दुनिया के अंदर। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो असल में जो हम देखते हैं वो इतना आसान नहीं है, मतलब कि केवल और केवल ऐसा नहीं कि केवल ऑक्सिपिटल लोब ही है जो हमें देखने में हेल्प कर रहा है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो कम्युनिकेट करता है।
लेकिन अगर आप देखें अपने मतलब इतना सा इल्यूजन आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक आँख है और आप अपने सामने अगर एक चाबी का गुच्छा देख रहे हैं तो ये एक चाबी ही नजर आएगी, दूसरे से देख रहे हैं तो भी एक ही चाबी नजर आएगी, और दोनों से देखते हैं तब भी वो एक ही चाबी नजर आती है। लेकिन अगर अपना फोकस आप हटाएं तो फिर वो दो चाबियां भी नजर आती हैं, लेकिन आपका दिमाग इतना सिंपल नहीं है, मतलब विजुअलाइजेशन चीज़ों का इतना सिंपल नहीं है। दो जो फील्ड व्यूज हैं उनको इस तरीके से ओवरलैप किया जाता है ताकि हमें पैरलैक्स के जरिए उसकी डेप्थ का अंदाज़ा हो सके। पिछले एक मिनट में आपने कितनी बार आँख झपकाई आपको मालूम भी नहीं है, लेकिन अगर मैं जितने समय के लिए आँख झपकाते हैं और लाइट गायब होती है उतने समय के लिए मैं लाइट को ऐसे ऐसे बंद और खोलूँ तो आपको आप पढ़ नहीं पाएंगे, आपको बड़ी तकलीफ होगी। कैमरे के अंदर में अगर आप किसी भी कैमरे को ऐसे जल्दी से घुमाते हैं तो उसके अंदर में ब्लर आता है, लेकिन आप जब भी अपनी आँखों को इधर उधर घुमाते हैं उसमें कोई ब्लर नहीं आता है। इतनी सारी चीज़ें हैं, मतलब कि आँखें देखना इतना आसान नहीं है, मतलब कि आपने सांप देखा और सांप देख करके आप जब तक समझ पाएंगे कि वो सांप है उससे पहले ही आपका जो हिप्पोक्रैम्पस अमिग्डाला और लिम्बिक सिस्टम है वो सांप को देख लेता है, और वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन हमारे पूर्वजों के पास है कि भाई हम रेप्टाइल से डरते हैं, मैमल्स का जो रेप्टाइल से डर इनेट फियर होता है, जन्म से उनका फियर होता है, उन्होंने कभी सांप नहीं भी देखा होगा तब भी वो उस चीज़ से डर जाएंगे। तो व्यक्ति के समझने से पहले कि वो रस्सी है कि सांप है पहले ही उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तो हम केवल और केवल ऑक्सिपिटल लोब से नहीं देख रहे हैं, उसके अलावा भी चीज़ें इतने ज़्यादा लेवल पर कॉम्प्लेक्स हैं। इसी कुछ एग्जाम्पल कि हमारा दिमाग केवल और केवल केवल इसमें ही काम नहीं करता है, केवल चीज़ों को डायरेक्टली देख लेना नहीं, उसका काम बहुत बड़ा काम है चीज़ों को इंटरप्रेट करना और तब उनकी सेंस बनाना। ये वाला जो क्यूब है वो कभी अलग ओरिएंटेशन में नज़र आ सकता है केवल और केवल आपके देखने के भरोसे पे। ये जो छेद हैं कभी ये बाहर की तरफ निकले हुए प्रतीत होंगे कुछ, और कुछ जो हैं वो गड्ढे की तरह प्रतीत होंगे, और वो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। थोड़ा सा उसमें कॉमन फैक्टर मिल सकता है, उसकी थ्योरी भी एक, उसको कभी अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन केवल चीज़ों को देखना इतना सिंपल नहीं है कि ये कह देना कि मैंने चाबी उठाई और उसकी इमेज जो है मेरे रेटिना पे बनती है, क्योंकि रेटिना पे इमेज जिस तरीके से बनती है वो ऐसा लगता है लोगों को जैसे मानो कि रेटिना के ऊपर टीवी स्क्रीन की तरह एक प्रोजेक्शन जो है वो चाबी का बन गया होगा, लेकिन अगर उस स्क्रीन की तरह अगर कोई प्रोजेक्शन बनेगा तो फिर उसको देखने के लिए कोई और बंदा चाहिए, फिर उसकी आँखें होंगी, उसकी आँखों में भी स्क्रीन बनेगा और फिर उसकी आँखों में भी एक बंदा होगा, ऐसे तो चलती चला जाएगा ना। तो इतना आसान है नहीं जितनी आसानी से हम बोल देते हैं कि हाँ रेटिना पे इमेज बन जाती है। अरे इमेज उस तरीके की नहीं बनती है जिस तरीके की हम सोच रहे हैं, थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स। नीट वालों के लिए फिर भी बेटर होगा कि किस तरीके से साइंटिस्ट थे चार्ल्स बॉनेट, तो चार्ल्स बॉनेट ने पार्थेनोजेनेसिस को डिस्कवर किया था। पार्थेनोजेनेसिस में ये होता है कि भाई जितनी भी जुरासिक पार्क वाली मूवी नहीं थी कि जिसमें वो फीमेल होती है चली जाती है, उनको लगता है कि अब फीमेल है भाई मेल चाहिए साथ में बच्चे बनाने के लिए, लेकिन वो पार्थेनोजेनेसिस से बच्चे बना देती है, रेप्टाइल्स में काफ़ी ज़्यादा कॉमन भी है। तो चार्ल्स बॉनेट ने यही ऑब्जर्व किया दुनिया के अंदर में कि भैया किस तरीके से फीमेल्स जो हैं वो कैसे नए बच्चे जो हैं वो बना देती हैं। तो वहाँ से उन्होंने ये थ्योरी डिवाइस की कि भाई ऐसा होता होगा कि फीमेल है उसके अंदर में ऑलरेडी बच्चा मौजूद होगा, उसके अंदर में ऑलरेडी बच्चा मौजूद होगा और ये इनफाइनाइट तक चलता होगा। अब बिल्कुल उसी तरीके से कि अब जैसे इन साइंटिस्ट को इसके लिए याद रखा जा रहा है कि हाँ इन लोगों ने इन्होंने एक बेकार सी थ्योरी दी थी कि आदमी के अंदर स्पर्म, जैसे एक थ्योरी थी ना कि जिसके अंदर स्पर्म के अंदर में बच्चा होता है दिखाई नज़र आता है, अब उसके अंदर में स्पर्म होगा उसके अंदर में भी बच्चा होगा, उसी तरीके फीमेल है उसमें एग है तो उसमें भी बच्चा होगा, इस तरीके की थ्योरी थी जो कि आज हम जानते हैं कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन जो दूसरी आइडिया था वो आइडिया आ कहाँ से रहा था, वो आइडिया आ रहा था पार्थेनोजेनेसिस, जो कि आज की तारीख में भी बिल्कुल सही आइडिया है। इसका बिल्कुल पैरेलल एक एग्जांपल है चार्ल्स डार्विन और लेमार्क का। लेमार्क ने कहा था कि भाई किस तरीके से एक एग्जांपल सबसे ज़्यादा कॉमन है कि भाई किस तरीके से एक जिराफ अपनी गर्दन ऊपर उचकाता रहता है तो अपने ऑर्गन का यूज़ करता रहता है, इसलिए उस ऑर्गन के अंदर में उसकी लेंथ बढ़ती चली गई। और डार्विन ने कहा था कि भाई नहीं, पहली बात तो ये लेमार्क साहब डार्विन से बहुत बड़े थे, बहुत पहले आए थे, बहुत पहले उन्होंने अपनी ये थ्योरी दी थी। और फिर हमने ये समझ लिया कि नहीं 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 भैया ऐसे थोड़ी है कि मिल्खा सिंह का जो बच्चा है वो तेज भागेगा,
भले से भागने में या डोले बनाने में या कुछ चीज़ों में ये चीज़ नज़र ना आती हो कि हाँ आप अपने इमीडिएट जनरेशन, अपने बच्चे या अपने पोते को वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं दे सकते, लेकिन कई सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में तुरंत की तुरंत जा सकते हैं, जिसके अंदर में एपिजेनेटिक चेंजेस हैं, जिसका एक सबसे कॉमन एग्जांपल ये है कि अगर आपके दादा को 9 से 11 वर्ष की आयु में अगर खाना ठीक से न मिला हो तो आपको डायबिटीज़ होने की संभावना कम है। वो कहाँ है, कैसे है, मतलब इसका रेफरेंस है रेडियो लैब का एक एपिसोड है लेमार्क के ऊपर, वहाँ पर जाकर के अगर आप ढूंढेंगे तो रेडियो लैब बेहतरीन पॉडकास्ट की एक सर्विस है जहाँ से आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो आज की तारीख में नियो लेमार्किज्म के जरिए हम ये बात जानते हैं कि हाँ भाई साहब के एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स जा सकते हैं, सारे नहीं जा सकते। तो न तो पूरे तरीके से डार्विन ठीक थे तो न्यू डार्विनिज्म है हमारे पास, और न तो पूरे तरीके से लेमार्क गलत थे तो न्यू लेमार्किज्म है हमारे पास। सच हमेशा, मतलब चीज़ें हमेशा नई आती रहती हैं, उनको एक नज़र से, जब एक ज़माने में एक नज़र से देखते हैं, है मतलब लेमार्क को तो बिल्कुल ऐसे विलेन की तरह पोर्ट्रे करते हैं लेकिन हाँ आज की तारीख में हम जानते हैं, जो कि होपफुली, मतलब हो नॉट होपफुली बट शायद आप में से कई लोग अभी भी नहीं जानते थे। हाँ आज पहली बार आपने न्यू लेमार्किज्म का या ये वाला कॉन्सेप्ट सुना होगा तो लगा होगा हाँ कई लोग हैं जो फालतू में ही, मतलब ठीक है, मतलब इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग ना, मतलब ये सोचो कि भाई वो व्यक्ति जो है, ये बात है, तुम आज की तारीख में किसी से कह दो कि भगवान भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती, अल्लाह अल्लाह जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्रिश्चियनिटी में गॉड जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, लोग तुम्हारे पास लिंच कर देंगे, तुमको जिंदा मार देंगे, जिंदा जला देंगे। और ये व्यक्ति 1800 कुछ के अंदर में ये बात एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था, बताने के लिए तैयार था कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, चीज़ें बदलती हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने, हम तो ये मानते हैं ना कि हमें ऊपर वाले ने बनाया, और क्या बनाया, क्या खूबसूरत बनाया, हमारे अंदर में परफेक्ट है हम तो, और उसकी सबसे चहेती संतान है, और जो उसने बना दिया उसके बाद ना तो कुछ आगे बदलेगा, ना तो कुछ नया बनेगा, ना तो कुछ जो एग्जिस्टिंग है उसमें कोई बदलाव आएगा। वो व्यक्ति जो आज की तारीख में भी जो हम ज़्यादातर लोग ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, वो के SPC के एवोल्यूशन जैसी कोई चीज़ होती है आज की तारीख में, वो व्यक्ति डार्विन से पहले इस आइडिया को एंटरटेन कर रहा था, जब डार्विन ने तो बाद में बताया कि हाँ, और डार्विन ने खुद अपनी जितने भी चीज़ें उनको पब्लिश होने से रोका, बहुत पहले डिस्कवर कर चुके थे वो तो, जब जो दूसरे भाई साहब थे हमारे अल्फर्ड रसल वॉलेस भाई साहब, तो उन्होंने जब भेजा कि भैया देखो भाई साहब, डार्विन भाई साहब ये कुछ देखा है मैंने, ये कुछ ऑब्जर्व किया है, तब उन्हें पता चला भाई साहब ये तो मेरा ही आइडिया है, तो फिर दोनों ने मिलकर के पेपर लिखा था, क्योंकि डार्विन भाई साहब ने ना अपनी, डार्विन भाई साहब पहले वो MBBS कर रहे थे, तो देखा कि नहीं भाई साहब वो लोगों को बगैर एनेस्थीसिया के ही ऑपरेशन कर रहे हैं, उनकी वहाँ पे हालत ख़राब हुई, फिर लॉ करने चले गए, लॉ में भी बात नहीं बनी, तो फिर जाकर उन्होंने डिविनिटी के अंदर में एक डिग्री मिलती थी वो किया था, और वहाँ पे जाकर के उन्होंने ये सब कुछ पढ़ा था कि भाई ऊपर वाले ने बनाया हमें, और जैसा बनाया वैसा का वैसा ही रहेंगे, ना कुछ बदलेगा, ना कुछ चेंजेस आए, ना तो कोई चेंजेस आए थे, ना कोई चेंजेस आएंगे, और यही बात जानते हुए, और उन्होंने जब नई ऑब्जर्वेशन देखी तो बोला कि भाई साहब ये तो दोनों मेल नहीं खा रही, तो उन्होंने बोला कि भैया इसको ठंडे बस्ते में डालो, पब्लिश नहीं करते हैं। और जब किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको पब्लिश करने की कोशिश की, अल्फर्ड रसल वॉलेस ने, तो फिर बोले कि भैया चलो पब्लिश कर ही देते हैं, फिर तब जाकर के डार्विन भाई साहब ने ये पब्लिश किया था। तो भाई लेमार्क साहब जिनको विलन की उपाधि दी जाती है, इन नए सबूतों की रोशनी में पता चल रहा होगा कि अपने समय में कितना ज़्यादा आगे का सोचने वाले व्यक्ति थे। अच्छा, ये गलती से भी कभी मत कहते ना कि भैया कि लेमार्क भाई साहब को मालूम था, देखो आज जाके नया प्रूफ हो रहा, नहीं उन्हें नहीं मालूम था।